भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। बहुत खुशी की बात है कि लगातार 14 साल तक ये कार्यक्रम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता हुआ आ रहा है और अब तो ये प्रूव भी हो गया है कि मून ओलंपिक से जो बच्चे निकले हैं वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने भारत का और अपने देश का, अपने माता पिता का, स्कूल का नाम रोशन किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और भी कार्यक्रम इतना वृहद स्तर पर हो गया है कि आगे इसको शहर को ले जाना चाहिए, क्योंकि जिस शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छे नागरिक तैयार करने की पहल है और जितनी बड़ी संख्या में हमारी पॉपुलेशन है उसको देखते हुए ओलंपिक की बदल तालिका में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे भी हमारे देश का नाम उज्ज्वल होगा। सेंट एंड्रयूज इस कार्यक्रम से पहले वर्ष से जुड़ा हुआ है और अभी लगातार कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं और हमें खुशी है कि ऐसे आयोजन में पार्टिसिपेट करते रहने से लगातार हमारे खेलों में बच्चों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे शूटिंग हो, चाहे चेस हो, इंटरनेशनल लेवल पे एंड्रयूज के बच्चे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि इस खेल भावना का हम लोगों ने परिचय दिया और इसमें शामिल हुए तो उसका फल भी हमें बहुत सुखद मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्कूल ओलंपिक्स का विगत 14 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, ये आगरा के लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आगरा के स्कूल के बच्चों के लिए एकमात्र एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कि वो विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों का प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी बच्चों को और सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा एक फोरम मून ओलंपिक के थ्रू 14 सालों से ये लगातार हो रहा है और इसमें जो मंडल स्तरीय जो प्रतिभाएं हैं चारों जिलों में, जो बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए हर तरह की गेम का आयोजन करना और उसको पुरस्कृत करना निश्चित रूप से खेल को प्रोत्साहित करने की बात है और मून ओलंपिक का ये सराहनीय प्रयास है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके खेल के युग में इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है और ये अनवरत जारी रहना चाहिए। इसमें और भी चीज़ें जोड़ करके इसको और भी महत्वाकांक्षी बनाया जाना चाहिए। मूल ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी है। मैं इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इनके ऑफिस बेयरर हैं, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे ही प्रोग्राम है जिसके जरिए बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स की तरफ हो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे है ना अपने घरों पे ही है ना खिलाड़ी बन के रह जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पीछे 14 साल से लगा और आप देखिए कि यही वजह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से आगरे से बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उभर के आ रहे हैं। वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हर साल बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे आगरे से मिलेंगे। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और शहरवासियों से मेरी हमेशा दरख्वास्त रहती है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में कभी पीछे ना रहें, अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें। जब भी बच्चे में अगर टैलेंट नज़र आए तो उन बच्चों को हमेशा इंकरेज करें, उनको इंस्पायर करें और अगर जरूरत पड़े तो उनका साथ हरप चले ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और अपने वो फील्ड में महारत हासिल कर ले।